तुमको छूके भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी सांसों में, खुशबू ने देखा। आरोही बहुत खुश है कि उसे सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला और वो अगले दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती है। देखो आरोही, ये सच है कि तुम हमारी पहली पसंद थी, लेकिन एन वक्त पे पुंज मित्तल ग्रुप के हेड मिस्टर पुंज का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए। अर्जुन गुस्से में अपने पिता डी के पुंज को फोन करता है। अगर आपने आरोही को सजा देने की ठान ली है तो मेरी भी ये जिद है डैड कि मैं उसे इस देश का सबसे बड़ा सिंगिंग स्टार बनाऊंगा। प्राउड फील कर रहे होगे ना तुम। जब प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि मिस्टर पुंज की वजह से मुझे निकाल दिया गया है तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं। आई न्यू इट, तुम वो इंसान जो किसी भी हद तक गिर सकते हो। यू डिस्गस्ट मी मिस्टर पुंज। लेट मी टेल यू समथिंग, आज मैं जितनी खुश हूं ना उतनी खुश मैं जिंदगी में पहले कभी नहीं, क्योंकि आज मैं जानती हूं कि मैं एक बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने वक्त के बदलने का इंतजार करूंगी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मैं अपना वक्त खुद बदलूंगी। अब मैं तुम्हें वो बनकर दिखाऊंगी जो तुम मुझे बनता हुआ देख ही नहीं सकते। आज तुमने मुझे एक जगह से निकलवाया ना, कल और कितनी जगह से निकलवाओगे? तुम मुझसे ये मौके छीन सकते हो पर मेरा सपना, मेरी हिम्मत नहीं छीन सकते। तुम एक दरवाजा बंद करोगे मैं 100 पर दस्तक दूंगी। तुम्हारा नाम चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो मगर वो मेरे हिस्से के आसमान से ऊंचा नहीं। तुम अपनी पहचान से मेरे रास्ते बंद कर सकते हो पर मुझे अपनी पहचान बनाने से नहीं रोक सकते। मुझे हर्ट करके, मुझे दुख पहुंचाकर बहुत खुशी मिलती है ना। तुम मुस्कुरा लो, जितना चाहे मुस्कुरा लो, पर मेरे चेहरे पर जरा सी भी मायूसी या गुस्सा तुम्हें देखना नसीब नहीं होगा। नो 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 वे, नॉट इवन इन योर ड्रीम्स। आज भी इस सिंगिंग असाइनमेंट को खोने पर मुझे इतना सा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती हूं इसमें मेरी कोई गलती नहीं। में गलती है तुम्हारी घटिया सोच की। यू नो व्हाट, मेरी जिंदगी में आज तक कभी कुछ रिग्रेट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मानना था कि लाइफ में जो भी हो, अच्छा या बुरा, कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है।
टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रिग्रेट माई सेल्फ, मैं पछता रही हूं। पछता रही हूं कि मैंने तुम्हें औरों से बेहतर माना, जबकि तुम तो सबसे बदतर निकले। पछता रही हूं कि मैंने तुम में डिपेंडेंसी ढूंढी, ट्रस्ट ढूंढा। मिस्टर अर्जुन पुंज, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, और वो गलती जिससे मैंने कुछ नहीं सीखा। इनफैक्ट अपने कभी ना रिग्रेट करने की सीख पर से भरोसा खो दिया। तुम्हारी वजह से मैंने इंसानियत पर से भरोसा खो दिया। तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश करते हो, इस बात से मुझे कोई दुख नहीं होता। अपनी हार से मुझे कोई दुख नहीं होता, अपने गिरने से मुझे कोई दुख नहीं होता। मुझे दुख सिर्फ एक बात का है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में वो जगह दी ही क्यों जिससे तुम्हें ये मौका मिला। टुडे लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, अगर सिंगिंग सुपरस्टार बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, तो अर्जुन पुंज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी। मेरी शर्मिंदगी मेरी आंखें झुका सकती है, पर मेरी आंखों से मेरा सपना नहीं चुरा सकती। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी ही सही, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो, ये कह लो तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हो। What the hell? तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। ये शायद भाई साहब आप चाबियां नीचे हॉल में छोड़ आए थे। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं भाई साहब? आपने जो किया उसकी भलाई के लिए किया, इट्स ओके। पता नहीं बेटी, सिर्फ आज ही नहीं, उसके बचपन से लेकर आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए किया, उसकी भलाई के लिए किया। हाँ मैं मानता हूं कि बिजनेस की तरह अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी मैं कई बार ऐसे तरीके अख्तियार कर लेता हूं जो शायद ठीक नहीं होते, लेकिन तुम तो जानती हो बेटी, इसके पहले कि उसके चेहरे पे कोई शिकन भी आए मैं दुनिया इधर से उधर कर दिया करता था। हाँ मैं मानता हूं कि उसने भी कभी मेरी किसी बात के लिए ना नहीं कहा, लेकिन मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की तो उसने भी मुझे पूरा प्यार दिया। और अब देखो ना, आज ये नौबत आ गई है कि मुझे अर्जुन से ऐसे बात करनी पड़ रही है। इट्स ओके भाई साहब, बच्चे कभी कभी गलत राह पर चल पड़ते हैं, उनके साथ थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। और ये बच्चे भी ना रियली कुछ भी करते हैं, जज्बात में बह जाते हैं, इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। फिर सारे प्रॉब्लम्स हैंडल करने पड़ते हैं हम पेरेंट्स को। सलिल ने क्या किया? हम उसे टाइम पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसने क्या किया? उस लोअर मिडिल क्लास मामूली लड़की से शादी कर ली ना, अब ये गलती उसे सारी उम्र झेलनी पड़ेगी।
नहीं, लेकिन पैडी तुम मुझे ये बताओ कि मुझे इस तरह से जबरदस्ती अर्जुन को वापस घर लाना चाहिए या नहीं? तो इसमें गलत ही क्या है भाई साहब? आपका बेटा है वो, थोड़ा भटक गया है। अगर उसे सही राह पर लाने के लिए आपको थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है तो इसमें गलत ही क्या है? अगर अर्जुन को नताशा से शादी नहीं करनी, ना करे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उस मामूली लोअर मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लेगा, अपनी फैमिली, अपना बिजनेस सब कुछ दांव पर लगा देगा। ये कहाँ की अकलमंदी है, आप ही बताइए भाई साहब। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। अब मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, मैं बस फटाफट। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में आने की? How cheap! तुम यहाँ बाहर छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे ना? दी, आप खुद ही तो कहती थी कि जब तक किसी ने अपने मन से हार नहीं मानी तब तक वो हारा नहीं। फिर अभी आपको चाहे कितनी भी रिजेक्शन मिले, जब तक आपने गिव अप नहीं किया तब तक आप हारी नहीं हो। आपकी लड़ाई अभी भी जारी है। दी, मुंबई आकर ना आप भी बदल गई हो, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती हो। कॉफी लो ना, वो ठंडी हो रही है। दी, आरोही दी, कॉफी लो। दी, इतना क्या सोच रही हो आप? सोच रही हूँ कि यहाँ के रास्ते और तौर तरीके तो हमने देख लिए, अब मुझे इतना तो समझ आ गया है कि यहाँ मौका कोई भी मांगने से आपको नहीं देगा। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो वो हक से लेना पड़ेगा। जो आपका है उसका क्रेडिट आपको खुद लेना पड़ेगा। और वो गाना जो करण सिंह ने चुराया, मेरा हक है। अगर आज मैं यूं ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रही तो वो ऐसे ही गाने चुराता रहेगा, आज मेरा कल किसी और का। और उसे लगता है कि हम बेवकूफ हैं। गलत नंबर दे दो, कोई भी बहाना बना दो, ये क्या कर पाएंगे? नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जाकर उससे अपना हक मांगूंगी। That's the spirit, दी। मिलो उस इडियट को किसी भी तरह और बैंड बजा दो उसकी। चल, मैं जल्दी से नहा के आती हूँ। तब तक मैं भी मार्केट से ब्रेड और अंडे ले आती हूँ। सर, सर, अरे मेरा बाथरूम देना, मैं लेट हो रही हूँ। कहाँ रह गई? सुर, बाथरूम चले थे। क्या करती है सुर, कब से मैं आवाज दे रही हूँ, कहाँ रह गई थी? नाश्ता बना रही थी क्या? मैंने कहा भी था करण सिंह से मिलने जाना है, अब लेट होंगे तो अपना ही काम लेट होगा ना। अब मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, मैं बस फटाफट। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे कमरे में आने की? How cheap! तुम यहाँ बाहर छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे ना? ओ, हेलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था? Are you mad? बल्कि मेरे कान पक गए थे तुम्हारी बकवास सुनके। सर, कहाँ हो तुम? मेरा बाथरूम कहाँ है? मैं लेट हो रही हूँ। तुम कोई क्वीन एलिजाबेथ हो जो यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े होंगे? Just shut up! मैं तुमसे नहीं, सुर से बात कर रही थी। कहाँ है सुर? मुझे तो नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो ये बाथरूम कहाँ से है? कोई देने नहीं आया था, इतना चिल्ला रही थी कान पक गए मेरे, अपना बाथरूम देना पड़ा मुझे। ये तुम्हारा बाथरूम है? यॉक! बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उतार के दे दो ना। हाँ तो ले लो,
मैं वापस कर दूंगी बाद में। बाद में क्यों? अभी तो ना। मैंने कहा ना वापस कर दूंगी। एंड एनीवेज ये तुम्हारी चीज है, इसे तो मुझे छूना ही पसंद नहीं है, पहनना तो दूर की बात है। ये अच्छा है, मेरा बाथरूम पहनना नहीं चाहती और वापस भी नहीं करना चाहती। अब स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो तुम। मैंने कहा ना वापस कर दूंगी तो कर दूंगी, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। अब प्लीज जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ। सुनो दोबारा नहा लो, पानी ठंडा है, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। इस करण सिंह को जवाब देना ही पड़ेगा। एक तो इसका नंबर कभी नहीं लगता, नहीं तो कोई ना कोई उठा के झूठ बोलता रहता है। देखती हूँ आज इसे। दरवाजा लॉक्ड भी नहीं है और तुम ऐसे टाल में घूम रहे हो, फिर शर्मे की भी हद है, भूल गए लड़कियां भी रहती हैं। देख हेलो, ये मेरा कमरा है और मेरा बाथरूम कहाँ है? तुम्हारे पास है ना? तुम क्या चाहती हो मैं ये भी ना पहनूं? वैसे आई डोंट माइंड। बकवास बंद करो और ये लो अपना बाथरूम। ये मेरा नहीं है। अकल के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है। वेल, याददाश्त का तो पता नहीं, लेकिन आंखों की रोशनी कहीं नहीं गई। ये मेरा नहीं है। ओके फाइन, मैंने पहना था पर तुम वॉश करवा लेना और पहन लेना। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये साफ हो या गंदा, मैं ये नहीं पहनता। तो फिर लिया क्यों है ड्राइंग रूम में सजाने के लिए? अरे तुम्हारा है, तुम पहनते हो, अब चले मेरा नहीं है। Once again, मैं ये नहीं पहनता हूँ, मैंने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं पहनी है। लुक, अपनी बकवास बंद करो, मुझे इतना पता है तुमने मुझे ये दिया था, अब मैं ये वापस करके जा रही हूँ। Are you sure ये मैंने तुम्हें दिया था? अब लिख के दूं क्या? No! Well, okay. अगर तुम्हें लगता है कि मेरे बाथरूम की जगह तुम अपना ये नाइट शॉट मुझे दोगी और एक्सपेक्ट करती हो कि मैं इसको पहनूं, ट्रस्ट मी इट्स नॉट गोना हैपन। गलती से आ गया होगा। ओह थैंक गॉड तुमने ये तो माना कि तुम्हारी गलती है, नहीं तो मुझे लगा था इस घर में सुपरमार्केट शुरू हो गया। यू नो दोस एक्सचेंज ऑफर्स, एक बाथरूम की जगह एक राइट सूट। इसलिए कहता हूं मैं सारोई, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। कंफ्यूजन में ये मेरा बाथरूम पहन के बाहर मत चले जाना, यहाँ के ऑफिस में ये अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं मिलेगी। You know, फिल्म में सुना था कि लड़की गुस्से में आके बहुत खूबसूरत लगती है, आज देख भी लिया। आरोही, तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं है। ये लो अपना बाथरूम। सच में तुमसे ज्यादा खूबसूरत
कोई भी नहीं है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस करण सिंह को जवाब देना ही पड़ेगा। एक तो इसका नंबर कभी नहीं लगता, नहीं तो कोई ना कोई उठा के झूठ बोलता रहता है। देखती हूँ आज इसे। अब मुझे समझ आ गया है कि ये शहर कुछ ऐसे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी वो कीमत चुकाने की हैसियत नहीं है।